हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं टॉप 5 स्पोर्ट्स स्टोरीज ऑफ द डे। युवराज सिंह ने उनसे जुड़ा अनुष्का शर्मा विराट कोहली पर दूसरी लड़कियों के बारे में सोचने वाला मीम इंस्टाग्राम पर स्टोरीज में शेयर किया है। मीम में कोहली को ये सोचते हुए दिखाया गया है कि अगर युवराज अभी भी क्रिकेट खेल रहे होते तो भारत का मेडल ऑर्डर मजबूत होता। युवराज ने हंसते हुए मोजी के साथ इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। एक्टर व WWE रेसलर जॉन सीना ने T20 विश्व कप 2021 के दौरान की MS धोनी की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। तस्वीर में धोनी को किसी से हाथ मिलाने के लिए सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखा जा सकता है। एक यूजर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि धोनी जॉन सीना से मिल रहे हैं। दूसरे ने लिखा कि टू लेजेंड्स। T20 विश्व कप सेमीफाइनल में मैथ्यू वेट द्वारा शाहिन शाह अफरीदी की लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने पर शाहिद अफरीदी ने कहा है कि मैं शाहिन से खुश नहीं हूं। उन्होंने कहा कि हसन अली से कैच भले ही छूट गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगली 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के दे दें। आपकी सोच ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर गेंद कराने की होनी चाहिए। मोहम्मद हफीज के हाथ से छुटी गेंद पर डेविड वार्नर के छक्का लगाने पर गौतम गंभीर के ट्वीट, खेल भावना का घटिया प्रदर्शन पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पत्रकार पीटर लालौर ने इसे गलत मुद्दा बताया है। रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि गंभीर का मतलब था कि अगर वार्नर सही हैं तो IPL 2019 में उनका मैनकेडिंग भी सही था। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 11 वर्षीय आयरिश लड़की को अपनी शर्ट गिफ्ट की है, जो कि अवीबा स्टेडियम डबलिन में पुर्तगाल आयरलैंड विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के दौरान मैदान में घुस गई थी। लड़की रो रही थी क्योंकि सुरक्षा कर्मी उसे वापस ले जा रहे थे। इसके बाद रोनाल्डो ने इसके बीच में हस्तक्षेप करते हुए उसे थपथपाया और अपनी शर्ट उतारने से पहले उसे गले भी लगाया। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स। इसके अलावा अगर आपने डीएनपी स्पोर्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि खेलों से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहें।